हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही हेल्दी हलवा। इसे हम वर्लनट से बनाए हैं। वर्लनट हलवा है और अखरोट का हलवा है ये, और इसे हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाए हैं। इसमें हम ना गुड़ का यूज किए हैं ना ही चीनी का। तो चलिए देखते हैं इस हेल्दी से हलवे को कैसे बनाना है। इससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को तक ज़रूर देखें और हमें सपोर्ट और बेल आइकन को तो ज़रूर ही दबाएं ताकि आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वर्लनट हलवा बनाने के लिए हमने 1.5 कप वर्लनट लिए हैं और 1 कप ये डेट्स है। और अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्लनट को दरदरा ग्राइंड करेंगे और उसका हम थोड़ा फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने वर्लनट को दरदरा ग्राइंड कर लिए हैं और ये जो डेट्स है उसका हम एकदम फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसका हलवा बनाते हैं। अखरोट का हलवा बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं और अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हम यहाँ पर घी डालेंगे। घी से बहुत ही हेल्दी हलवा बनेगा। पहले हम 3 टेबल स्पून घी डालेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में हम फिर से घी डालेंगे। तो घी गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हम वॉलनट ग्राइंड करके रखे हुए थे, ये देखिए एकदम दरदरा है, ये दरदरा ही इसे ग्राइंड करना है। अब हम वॉलनट को हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम 4 से 5 मिनट तक एकदम गोल्डन सुनहरा होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हम फ्राई करेंगे और ये देखिए 4-5 मिनट ही हुए हैं, वॉलनट्स काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और ये देखिए कितना सुनहरा देखने में लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वॉलनट तो फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 कप दूध डालेंगे इसमें। ये बॉयल किया हुआ दूध है, इसे हम पहले बॉयल करके रखे हुए थे। अब हम इस दूध को ये वॉलनट वाले मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे। और दूध डालने के बाद इसे हम एकदम फ्लेम को यहाँ पे हम लो कर देंगे और जो हम ग्राइंड करके डेट्स रखे हुए थे वो भी हम इसी टाइम ऐड कर देंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम 2 से 3 मिनट तक इसे हम और फ्राई करेंगे। हलवे को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं, हलवा बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पर हम फिर से 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे घी डाल देंगे और घी डालने के बाद इसे हम 1-2 मिनट तक और फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए हमारा हलवा ये बनकर तैयार हो चुका है। काफ़ी हेल्दी हलवा होता है। एक बार इस हलवे को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को ज़रूर ही पसंद आएगा और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो ये देखिए हलवा बनकर अब तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं।